हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम आपको कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताने वाले हैं। और दोस्तों ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर एक न्यूज़ निकल रही है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, दुबई इन सभी देशों में रह रहे हैं तो आपके लिए भी एक खुशखबरी है, वीडियो में आगे देखिएगा। और दोस्तों ये भी बताएंगे कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर जो टू लेंथ का जो हाईवे बन रहा है उसका अपडेट क्या है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुशीनगर एयरपोर्ट से लेकर जो NH-28 है वहाँ तक जो हाईवे बन रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हाईवे है वो पूरा टू लेंथ है, ठीक है। और इसकी काम की बात करें तो इसका जो 90-95% जो काम है वो हो गया है। हाल ही पिछले दिनों ही उस पर जो है वो जो ऊपरी परत होती है सड़क की, यानी कि पक्की की जाती है, तो पूरा जो है टू लेंथ को पक्की कर दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो वो 30 मीटर है। और ये जो सड़क है ये कुशीनगर से जैसे आप कसिया की तरफ आएंगे तो जो हिरणावती नदी बहती है जस्ट उसके बगल से ये जो सड़क है वो निकला है। और आगे जाकर जो एयरपोर्ट का जो बाउंड्री लगा है वहाँ पर जाकर मिल जा रहा है, और आगे जाकर एयरपोर्ट के अंदर से जो सड़क बनेगी तो वो एयरपोर्ट के अंदर जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की। जो खबर निकल कर आई है कि क्या कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इस समय शुरू होने के हालत में है कि नहीं है, तो दोस्तों हमको मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो एयरपोर्ट का जो अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं AK द्विवेदी, उन्होंने बताया कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जितना भी काम है वो लगभग पूरा हो गया है। यानी कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरह से उड़ान भरने में सक्षम है। तब अब दिमाग में ये डाउट आ रहा है तब क्यों नहीं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को शुरू कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही पिछले दिनों ही बरसात हुआ था तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अंदर शायद पानी लग गया था, जल भराव हो गया था, और उसको निकालने की जो है वो प्रशासन के द्वारा कोशिश की गई और बाद में जो जल भराव है उसको समाप्त किया गया। अभी इस स्थिति में क्या कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होगा, 1-2 महीने के अंदर शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जितने भी लोग विदेशों में रह रहे हैं वो सोच रहे हैं कि जल्दी कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू हो ताकि हम यहीं पर लैंड कर सकें। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि 1-2 महीने के अंदर जो है वो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है उसको शुरू होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भी लोग सऊदी अरब, कुवैत, दुबई इन सभी देशों में रह रहे हैं उनके लिए जो खुशखबरी ये है कि अगर कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अगर शुरू हो जाता है तो जो वो लखनऊ या फिर दिल्ली आते हैं तो वो सीधे कुशीनगर एयरपोर्ट पर आ जाएंगे, चूँकि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है और यहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होगी। लेकिन देखते हैं कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कब शुरू होता है। शुक्रिया।